नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जामा मस्जिद क्षेत्र जामा मस्जिद पुलिस थाने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर यहाँ जामा मस्जिद क्षेत्र में एक महिलाओं का कार्यक्रम पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। मेरे पीछे काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं और यह पहली बार नहीं है कि जामा मस्जिद क्षेत्र के थाने के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए हों। पहले भी यह थाना सर ही हर साल छुट्टियों में बच्चियों के लिए अलग अलग तरह के कैंप, सुरक्षा कैंप, कराटे कैंप और सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाता रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले भी मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जामा मस्जिद थाना अपने आप में एक ऐतिहासिक थाना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए अक्सर ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम और इनिशिएटिव्स करता रहता है। जानना चाहेंगे कि जो क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए जामा मस्जिद थाने की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। हम इस चीज़ को देखते हुए आज हमारे जो सीपी साहब हैं उन्होंने महिलाओं के लिए एक ये इस तरह का प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें मतलब ये है कि जितनी भी वुमेंस थाने के अंदर आती है, पुलिस स्टेशन में आती है, उनकी जो सुनवाई है बड़ी गहनता से की जाती है और जो भी वुमेन से या बच्चों से रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो हम देखते हैं। ऐसा तो साहब की देख रेख है। और आपके पास एक महिला होने के नाते इस थाने में क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरी जिम्मेवारियां हैं कि जब कोई महिला यहाँ आती है तो उसको हम मतलब बड़े गहनता से उसके साथ बातचीत करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और उसका मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उनसे बातचीत करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जामा मस्जिद थाना अक्सर ही बहुत सारे कार्यक्रम करता रहा है। मैंने भी अपने स्कूल के समय में यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है और उसके साथ ही मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि यहाँ बहुत तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को और महिला सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए आगे आने वाले समय में हम ऐसे कौन से कार्यक्रमों को आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे कि क्षेत्र की महिला सुरक्षा और बढ़े? देखो, हमारे जो DCP साहब भी हैं वो CP साहब हैं, उन्होंने जो महिलाएँ हैं उनके लिए योगा का भी कई बार प्रोग्राम रखा है और मतलब उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ मतलब वीक में 15 दिन में यहाँ पे योगा का प्रोग्राम चलता रहता है। बच्चों को भी बुलाते हैं और बच्चों को भी उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे कि आप काफ़ी समय से इस सर्विस में हैं, महिलाओं की सुरक्षा में पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले जो हम एक कंपैरिजन करें तो किस प्रकार से बदलाव आए हैं और किस प्रकार से घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएँ कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब आबादी बढ़ती है तो वो मतलब उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ता है आबादी के हिसाब से। लेकिन जो भी महिलाएं यहाँ आती है थाने में उनकी जो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उनका जो भी उनका केस आता है हम लोग उसको सोल्व करते हैं। और अत्याचार का ये है कि अगर वो बढ़ता है तो बहुत सारी महिलाओं के लिए है, DV एक्ट है, वुमेन्स हेल्प है, मीडिएशन है, बहुत सारे हमने मतलब दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे उनमें रखा हुआ है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी रखे जा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलते हैं थाना जामा मस्जिद के द्वारा। धन्यवाद।